chicken. तो गाइस ये है शर्मा जी फास्ट फूड और मैं यहाँ पे चौंग में हूँ। अभी निकल रहा हूँ यहाँ से बैक टू दिल्ली और यहाँ के मोमोज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन मोमोज़ मैंने खाए हैं 2-3 बार और बड़े स्वादिष्ट लगे। सुबह बारिश हो रही थी। ठीक है अंकल जी, ओके सर, बाय। मेरे दोस्त थोड़ा आगे निकल गए हैं क्योंकि मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना था। डेटा ट्रांसफ़र में हो गया, लग गया टाइम। जय प्रभु, हर हर महादेव एंड थैंक यू सो मच बारिश रोकने के लिए प्रभु, वरना डिफ़िकल्ट हो जाता टास्क। वैसे भी ये मॉनसून राइड है लेकिन इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा मौसम बना दिया। और अभी बादल छट चुके हैं, आसमान साफ है। अभी बज रहे हैं 8:15 के आसपास, 8:30 हो गए यार, 8:15 बोल रहा हूँ। टूरिस्ट की कमी नहीं फिलहाल, अच्छे खासे अमाउंट में टूरिस्ट आ रहे हैं। ये देखो यार, इसकी तो इडियट्स आर ऑलवेज ऑन द रोड। तो अभी तो मार्केट बंद है, यहाँ पे धीरे धीरे खुल रहा है। अतरंगी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्योर अतरंगी चीज़ें मिलती हैं। अतरंगी यानी कि बहुत अलग टाइप के कपड़े मिलते हैं, अलग टाइप का कुछ, यू नो, सबका कुछ अलग ही टाइप का मिलता है। बारिश ना हो और रास्ता कट जाए फटाफट, जितनी जल्दी मैं ये पहाड़ी रास्ता क्लियर करूँगा उतनी जल्दी मैं घर पहुँचूंगा। ट्रिप स्टार्ट हुई थी हमारी 30 तारीख से जब मैं अम्बाला गया था, के बाद हम अगले दिन निकले हिमाचल के लिए। जस्ट बिकॉज हमने ये सोचा था कि 30 तारीख को हिमाचल में अलाउड नहीं होगा बिना ई पास, दैट्स वाई हम अम्बाला ही रुक गए। तो चंडीगढ़ से या अम्बाला से जब आप आएँ तो मनाली वाला रास्ता फॉलो करते हैं, वो आपको कसौल ले जाएगा। ठीक है, तो आपको बीच बीच में पूछने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ मनाली का बोर्ड लगा है उसे देख के चलते रहें। और जब आप भुंटर में पहुँच जाएँ, भुंटर पे आपको अलग से एक बोर्ड नज़र आ जाएगा मणिकरण साहिब के लिए, तो आप मणिकरण साहिब वाला रास्ता चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कसौल और मणिकरण साहिब और आगे तोश वगैरह जाना है तो। अब इस ट्रिप से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ मैं अपनी आने वाली ट्रिप में उन गलतियों को सुधारूंगा। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, सैडल बैग्स। अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, चाहे वो 3 दिन की हो, 4 दिन की हो, 6 दिन की हो, 12 दिन की हो, कितने दिन की हो, तो आई विल प्रिफर कि आप सैडल बैग्स यूज़ करें। ठीक है, पिट्ठू बैग एंड टेल बैग। देखो इन दोनों में क्या फ़र्क है। पिट्ठू बैग, जैसे आगे वाले भाई ने लगा रखा है पिट्ठू बैग, देख रहे हो, तो आगे वाले भाई ने पिट्ठू बैग लगा रखा है, डेफिनेटली ये बहुत अनकंफर्टेबल बैग है। ये रास्ता मलाना के लिए जाता है, यहाँ से हम मलाना गए थे। जैसे अपने भाई को देखा, भाई ने पिट्ठू बैग पहन रखा था, हालांकि मैंने भी एक पिट्ठू बैग लगा रखा है। ठीक है, अगर पिट्ठू बैग एक छोटा वाला है, जो पिट्ठू बैग जैसे बाइकर्स का होता है वो एकदम रफ होता है, पीछे से स्ट्रांग मटेरियल का होता है कि अगर गिर भी जाए तो वो बैग नहीं पिचकता है या उसके अंदर का सामान नहीं टूटता है, तो वो वाला पिट्ठू बैग तो इट्स गुड। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग बैग को बाइक में लगा के चल रहे हो तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि यार अगर लॉन्ग राइड है तो नहीं। हाँ, अगर दिल्ली से हरिद्वार, देहरादून जा रहे हो, मसूरी जा रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप इस तरफ आ रहे हो कसौल, मनाली, कुल्लू एंड यू नो लद्दाख, ऑब्वियस सी बात है तो पिट्ठू बैग में नहीं आ पाओगे। आ तो जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ पाओगे, आ तो जाओगे, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सीन होता है, मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। एंड रिस्क रहता है कि यार कोई सामान गिर तो नहीं रहा, या यू नो कोई चेन तो नहीं ओपन हो गई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो रिस्क फैक्टर उसका हाई रहता है। सैडल्स में क्या होता है, आपने सैडल्स फंसाए, उसके अंदर कपड़े कुपड़े डाले, जो भी सामान डाला, रेन कवर से उसको कवर किया और आपका सैडल बैग हो गया तैयार। और अगर हार्ड वाला लगाते हो, हार्ड सैडल्स, तो वो तो और भी अच्छा है, उसे होटल के अंदर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से लॉक करो और चल दो, जैसे हिमालयन में पैनियर्स आते हैं उस टाइप के। अभी मौसम देखो फिलहाल, आप बादल नीचे हैं और ये बादल एक्चुअली में तोश में थे। आपके शूज़ वाटरप्रूफ होने चाहिए, अगर आप यू नो बरसात के मौसम में कर रहे हो या कोई ऐसी राइड कर रहे हो जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स हैं, जैसे मेरी ये वाली राइड है। इस वाली राइड में वाटर क्रॉसिंग्स हैं, बिल्कुल हैं। अब वो वाली वाटर क्रॉसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि झरना बह रहा है और उसके नीचे से जा रहे हैं जस्ट लाइक लेह लद्दाख, नहीं, यहाँ पे वैसी वाटर क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग ऐसी है कि रोड ख़राब है और पूरी रोड में पानी भरा हुआ है और आपको पता नहीं है कि रोड में कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ पे बाइक फिसल सकती है, यू नो स्लिपरी हो जाता है और मिट्टी तो बहुत चिकनी होती है। उस केस में आपके पास वाटरप्रूफ शूज़ होने चाहिए। अब मेरे जो शूज़ हैं ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये पैराट्रूपर्स के आर्मी वाले शूज़ हैं जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पहनते हैं, तो ये वाटरप्रूफ नहीं है। पहली बात, वाटरप्रूफ बस वहाँ तक है जहाँ तक इसमें लेदर कवर्ड है और जहाँ पे इसके लेसेस शुरू हो जाते हैं वहाँ से ये वाटरप्रूफ खत्म हो जाता है। वाटरप्रूफ शूज़ बहुत अलग अलग कंपनी के आते हैं, डिकैथलॉन में आपको वाटरप्रूफ
वाटरप्रूफ शूज मिल जाएंगे। और एजो नाम की एक कंपनी है जो राइडिंग बूट्स बनाती है, वो भी वाटरप्रूफ बूट्स बनाती है। हाई एंकल वाले वाटरप्रूफ बूट्स लीजिए, ठीक है। विंड शीटर होना चाहिए या तो रेनकोट होना चाहिए अगर आप इस मौसम में राइड कर रहे हो। मेरे पास तो रेनकोट था, इंजन ऑयल, एक्स्ट्रा इंजन ऑयल जो मैंने कैरी नहीं किया, लेकिन होना चाहिए। अच्छे ग्लव्स, राइडिंग जैकेट्स, ये तो कॉमन सी चीज है। टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, आपका जितना भी सामान है सेगमेंट वाइज होना चाहिए। देखो वैसे लड़के लोगों का वो होता है कि लड़के लोग बैग में ठूस देते हैं सामान। अलग से पाउचेस क्रिएट कीजिए जिसमें गैजेट्स अलग हो, आपकी शेविंग किट अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि सबका सब एक ही में डाल दिया, मैंने तो ऐसे ही किया है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे मत करना। अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो तो एक आधा गर्म कपड़ा होना चाहिए, लाइक एक आधा स्वेट शर्ट टाइप होनी चाहिए जो थोड़ी मोटे कपड़े की हो, क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है और कभी भी यहाँ पे ठंडा हो जाता है। उसके अलावा पावर बैंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आप सभी को पहले से पता है। पावर बैंक तो आजकल हर किसी के पास होता ही होता है, मेरे पास नहीं था, मैंने इसी ट्रिप में परचेज किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने पावर बैंक परचेज किया है। आपका जो माइंड सेट है वो काम होना चाहिए, एकदम बिल्कुल शांत, एकदम बस ये बड़बड़े के लिए रॉयल एनफील्ड। एक चीज और, पंचर किट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है जो आपके बाइक के साथ होनी चाहिए। वो पंचर किट तो कैरी करनी है, साथ में फर्स्ट एड बॉक्स भी कैरी करना है। आई एम नॉट सेइंग दी फुल बॉक्स, लेकिन जैसे सेराडॉन, क्रोसिन एंड कुछ बैंडेड्स, तो इस टाइप की जैसे बर्नॉल वगैरह, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए जब भी आप किसी भी टाइप की रोड ट्रिप में जाओ। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक तो मुझे यहाँ इस बाइक में सम गार्ड लगवाना है, सम्प गार्ड, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे आगे विंड शील्ड लगवानी है। विंड शील्ड सिर्फ विंड से बचने के लिए नहीं, ये जो कार वगैरह से कीचड़ उछल के आता है पीछे, उससे बचने के लिए भी मुझे आगे विंड शील्ड लगानी है। और कुछ क्या होता है कि कुछ कीड़े मकोड़े सामने से आके जैकेट्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, राइट, तो उनसे बचने के लिए भी विंड शील्ड होना ज़रूरी है। हालांकि विंड शील्ड से क्या होगा, लुक इतना अच्छा नहीं आएगा बाइक में, लेकिन थोड़ा बहुत सेफर साइड है वो चीज़। हियर इज़ द जेंटलमैन जिन्होंने बोला। तो इस टाइप के ड्राइवर्स होने चाहिए रोड पे, जैसे वो भाई साहब थे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि अभी ओवरटेक मत करना, और जब आगे रोड खाली मिली तो उन्होंने ओवरटेक करने दिया। एंड दैट्स द स्पिरिट एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ ड्राइवर, और इसी टाइप के ड्राइवर होने चाहिए रोड के अंदर। देखो मोटर बाइकिंग से कुछ लोग मोटर बाइकर से जलते हैं, डेफिनेटली कुछ लोग मोटर बाइकर्स को पसंद नहीं करते हैं जो राइड्स वगैरह करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत साथ देते हैं। ये मेरे सामने जा रही है महिंद्रा थार, वो भी नई वाली, वो जो वहाँ सामने देख रहे हो वहाँ से है मनाली वाला रास्ता, आई गेस वहाँ जाते हैं मनाली कुल्लू। बाइक का क्या हाल कर रखा है, देख रहे हो बुलेट स्टैंडर्ड है ये, जी हाँ दिस इज स्टैंडर्ड बुलेट, और इसमें सिंगल सीट करवा रखी है। इतनी कूल तो नहीं लग रही, लेकिन थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर सकता था, ये स्कोप है इसमें मॉडिफिकेशन का, कर सकता था, बट लोकल है बंदा वो। कार्ड को लेते हैं ना, ऑटो कटो मार देना। ऑल राइट गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम चंडीगढ़ के पास, रूपनगर के पास एक्चुअली। और अभी आपने देखा होगा वो बस वाला कैसे आया था, है ना, देखा भाई साहब, मतलब इसमें मेरी गलती थोड़ी थी यार, वो बस वाला ही रॉन्ग साइड था, है ना, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी, मैं तो अपने रूट पे सही चल रहा था, वो बस वाला ही रॉन्ग साइड था, ऊपर से वहाँ पे ट्रक्स भी बहुत सारे खड़े थे, तो दैट्स व्हाई वहाँ पे वो सीन हुआ क्रिएट। बाकी सब ठीक, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास।
हो गए तो अब तो सीधी सीधी रोड है, नो पहाड़ी रास्ता, नो गड्ढे, बट बारिश की बूंदें। जी हाँ, मेरे हेलमेट में दो चार बारिश की बूंदें पड़ी हैं। दिल्ली यहाँ से लगभग 4 घंटे, तो मान के चलो लगभग चार पाँच घंटे। वैसे तो रोड खुली है, खाली है और सीधी सीधी है, लेकिन फिर भी 4 से 5 घंटे मान के चलो, बिकॉज़ सिंधु बॉर्डर बंद है। अगर सिंधु बॉर्डर से एंट्री हो जाती है तब तो काफ़ी टाइम बचेगा, लगभग 1-1.5 घंटा बच जाएगा। लेकिन अगर सिंधु बॉर्डर से एंट्री नहीं होती है तो इट विल टेक टाइम, यस। और अभी भी चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा।